आपके रूबरू में एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे साथ आपके रूबरू में रूबरू हो रहे हैं बीरबल शर्मा जी। बीरबल जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि हम अभी बात कर रहे थे धरोहरों की, आपने एक जो हमारी जैसे आपने कहा कि जो कॉफी टेबल बुक है, हाँ जी, उसमें क्या चीज ऐसी जो हमारे उपायुक्त हैं संदीप कदम जी, उनकी एक सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो अलग हटके हो और उसको शिवरात्रि के साथ जोड़ा जाए जी। तो उन्होंने जो है ये लोक संपर्क विभाग या दूसरे जितने विभाग थे उनके उनको मतलब साथ में उनको लेके उनको सब कह के एक संकलन शुरू किया दो तीन महीने पहले शिवरात्रि से जी। तो कोशिश की कि जितने पुराने चित्र हैं जिसमें मंडी के 200 साल 100 साल जब से भी फोटोग्राफ जो उपलब्ध है कहीं भी उपलब्ध है उसको सारे को उन्होंने धीरे धीरे एकत्रित किया, फिर उसके ऊपर कैप्शन वगैरह बना के तो शिवरात्रि में उसका एक उस काफी टेबल बुक जो लगभग 80-82 पेज की है उसका एक विमोचन हुआ, मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। वो मेरे अपने हाँ उसमें समय समय पर उसमें और भी परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ गलतियां भी हो सकती है उससे, हो सकता है कुछ गलत भी बीच में आ गया क्योंकि जहाँ आदमी काम करता है वहाँ गलती होती है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से बहुत बड़ा एक अच्छा ग्रंथ बन गया है जिसमें लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे पहले शिवरात्रि मेला कैसे होता था, उनके ड्रेस कैसे होते थे, देवता कैसे होते थे, बहुत एक अच्छा ग्रंथ बन गया है, बहुत अच्छा आने वाली पीढ़ियों के लिए शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, और इसके लिए जो है जिला प्रशासन उपायुक्त और दूसरी उनकी जो टीम है वो बधाई की पात्र है क्योंकि वो बहुत एक संग्रहणीय है। बिल्कुल ऐसे कार्य होने भी चाहिए, समय समय पर होने चाहिए। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, आप पत्रकार भी है छायाकार भी है, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर पत्रकार लोगों की मदद करते हैं लेकिन बावजूद उसके लोग पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं कि वो खबरें सही तरीके से नहीं छापते या सही तरीके से नहीं दिखाते, क्या उनकी सोच होती है ऐसे सवालों के पीछे? क्योंकि जहां तक मैं खुद पत्रकार हूं, आप पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार जो मेहनत करता है वो पूरी मेहनत करता है किसी के साथ, मतलब अगर कोई भी खबर छापनी हो निष्पक्ष छापता है, तो ये आरोप कहां तक सही है? इसमें सीधा सीधी बात है कि जी, जो व्यक्ति सबसे अधिक काम करता है, जो व्यक्ति फ्रंट पे रहता है, जो जनता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है उसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है जी। बिल्कुल, जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, जो विभाग कोई काम ही नहीं करेगा, उसकी आलोचना कहाँ से होगी जी। अब जहाँ तक आपने कहा कि हम निष्पक्ष रूप से काम तो करते हैं लेकिन जनता में फिर भी वो रहता है, रहता है। जी। एक हमारा काम करने का तरीका, हमारी पत्रकारों की कुछ सीमाएं हैं जी। हम इतने स्वतंत्र नहीं है जितने लोग मानते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता तो है, हालांकि 2000 के बाद इस सदी में नई सदी में जो है पत्रकारिता के मायने बदले हैं, इसमें प्रोफेशनलिज्म आया है, इसमें व्यावसायिकता आई है, जो बड़े बड़े अखबार हैं या बड़े बड़े जो चैनल हैं वो बड़े बड़े व्यापारी लोगों के हैं, बड़े कारोबारी लोगों के हैं, व्यापारी घरानों के हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रभाव जो है व्यापार का या कमर्शियल जो है उसके ऊपर रहता है जी। और उस दिशा में जो पत्रकारों को भी कई तरह की गाइडलाइन मिली होती है, उसके बावजूद भी पत्रकार ये प्रयास करता है कि जो दूर बैठा है, गरीब है, साधनहीन है, जिसको हमारी मदद की जरूरत है उसकी मदद की जाए, प्रयास वो करता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जैसे कहा ना कि कुछ सीमाएं हैं हमारी जी। एक समय की सीमा है, स्पेस की सीमा है, तो दूर बैठे आदमी को लगता है कि शायद उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है, उसकी खबर नहीं ली गई है या उसकी खबर को पूरा स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो प्रेशर तो पत्रकारों पर भी है, जो मालिकों का प्रेशर है, अखबार वालों का किसी का प्रेशर है, विज्ञापन का प्रेशर है, तो जिसके क्योंकि बगैर विज्ञापन के ना कोई चैनल चल सकता है ना कोई अखबार चल सकती है, ये एक सच्चाई है जिससे जो आरोप लगाने वाले हैं या जिन लोगों को लगता है वो उस सच्चाई से अवगत नहीं है। तो चला है हमारे आपके रूबरू में एक छोटे से ब्रेकअप।